Hello students welcome to RS accounting classes today we are going to discuss meaning of shares types of shares share capital difference between reserve capital and capital reserve presentation of share capital in company's balance sheet and illustration 1 meaning of shares total capital of the company is divided into units of small denominations Each such unit is called share. तो हम क्या करेंगे जो कंपनी की टोटल कैपिटल होगी उसको डिवाइड कर देंगे स्मॉल डिनोमिनेशन में डिनोमिनेशन का मतलब होता है पार्ट्स यूनिट्स और हर यूनिट को कहा जाएगा शेयर फॉर एग्जाम्पल की जो कंपनी की टोटल कैपिटल है वो टेन लैख है और इसको हमने डिवाइड कर दिया वन लैख यूनिट्स में और हर यूनिट की जो वैल्यू है वो कितने रुपीस हुई टेन रुपीस तो हम ये कहेंगे कि जो कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो वन लैख है और हर शेयर की जो वैल्यू है वो टेन रुपीस है जो कंपनी के शेयर्स होते हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टीज होती हैं और इनको ईजिली ट्रांसफर किया जा सकता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस गिवन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी के शेयर्स होते हैं उनको एज अ गुड्स भी माना जाता है अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। जो शेयर्स होते हैं उनको हम सेल कर सकते हैं परचेज कर सकते हैं इनको मोर्टगेज किया जा सकता है मतलब इनको गिरवी रख के हम लोन को भी रेज कर सकते हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स अंडर द कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन अ कंपनी में इश्यू टू टाइप्स ऑफ शेयर्स दैट इज़ प्रेफरेंस शेयर्स एंड एकविटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिन शेयर्स के पास दो प्रेफरेंशियल राइट होंगे जो फर्स्ट राइट right होगा वो डिविडेंट से रिलेटेड होगा और जो सेकेंड राइट्स होगा वो कैपिटल से रिलेटेड होगा तो जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको जो डिविडेंड है वो फिक्स्ड रेट से मिलेगा और ये जो डिविडेंड है वो इक्विटी शेयर्स को पे करने से पहले प्रेफरेंस शेयर्स को मिल जाएगा जब कंपनी का वाउंड अप होगा तो उस टाइम पर भी जो प्रेफरेंस शेयर्स की जो कैपिटल है वो इक्विटी शेयर्स से पहले रिटर्न हो जाएगी इन दो राइट्स के अलावा प्रेफरेंस शेयर्स को और भी राइट दिए जाते हैं वो डिपेंड करता है कि जो प्रेफरेंस शेयर का टाइप क्या है प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स क्या क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे इक्विटी शेयर्स इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनको डिविडेंड तभी दिया जाएगा जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट से डिविडेंड देने के बाद प्रॉफिट बचेगा इनको जो डिविडेंट की जो रेट होती है वो फिक्स नहीं होती बट इनको जो डिविडेंट है वो हाइयर रेट से दिया जाता है एज कंपेयर टू प्रेफरेंस शेयर्स अगर किसी ईयर कंपनी के पास जो प्रॉफिट है वो इनसफिशियंट है तो उस केस में इक्विटी को शेयर्स को कोई भी डिविडेंड नहीं मिलेगा अगर कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न होंगे तो इनको डिविडेंड है वो हाइयर रेट से मिल जाएगा और इनकी जो कैपिटल है वो भी प्रेफरेंस शेयर्स के रिटर्न होने के बाद फिर रिटर्न की जाएगी जो इक्विटी शेयर्स होल्डर होते हैं उनके पास वोटिंग राइट होता है और ये कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल कर सकते हैं कंपनी की मैनेजमेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं थर्ड टाइप है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल का मतलब होता है रीपेमेंट तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होंगे जिनको कंपनी अपनी लाइफ टाइम के दौरान उनको रिफंड कर देगी यानी कि कंपनी अपने वाइंडिंग अप से पहले पहले जो भी इशू की टर्म्स एंड कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग उनको रिफंड कर दिया जाएगा ई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होंगे जो सिर्फ कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम पर ही रिफंड किए जाएंगे लेकिन जो हमारा कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन का सेक्शन फिफ्टी फाइव है उसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर कंपनी का वाइंडिंग अप ट्वेंटी ईयर से पहले हो जाएगा तो वो अपने वाइंड अप वाइंडिंग अप के टाइम पर ही क्या करेगी प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेगी उससे पहले उनको रिडीम नहीं करेगी अगर कंपनी का जो वाइंडिंग अप है वो ट्वेंटी इयर्स के बाद होता है तो जब ट्वेंटी इयर्स की एक्सपायरी हो जाएगी तो ट्वेंटी इयर्स के बाद जो कंपनी है उसको जो ई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है उनको रिडीम करना पड़ेगा पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स तो नेम से ही सजेस्ट हो रहा है कि यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे बट किस चीज में पार्टिसिपेट करेंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे सरप्लस प्रॉफिट में तो सरप्लस प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट जो बच गया है क्रेडिटर्स की पेमेंट करने के बाद प्रेफरेंस शेयर को फिक्स रेट से डिविडेंड देने के बाद और इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड देने के बाद उस सरप्लस प्रॉफिट में इन शेयर होल्डर को राइट होगा कि वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स ये वो वाले शेयर्स होंगे जिनको सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का कोई भी राइट right नहीं है इन्हें सिर्फ जो फिक्स रेट से डिविडेंड है वही रिसीव होगा इसके अलावा इन्हें कोई भी जो सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन है वो नहीं मिलेगा और ज़्यादातर जो हमारे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो नॉन पार्टिसिपेटिंग ही होंगे कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स होते हैं जिनको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होंगे जिनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता क्यूमिलेटिव में क्या था कि जो इनका डिविडेंड होगा वो जो डिविडेंड एरियर है वो उनको मिलेगा यानी कि क्यूमुलेट होता रहेगा इकट्ठा होता रहेगा नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स थे इनको अपना जो डिविडेंड अगर किसी ईयर नहीं मिलता तो वो उस डिविडेंड को नेक्स्ट ईयर नहीं मांग सकते रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जिनकी एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद एक स्पेसिफाइड लिमिट के बाद उनकी शेयर कैपिटल को रिफंड किया जाएगा ई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जिनको सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पर ही रिडीम किया जाएगा लेकिन अगर ट्वेंटी ईयर्स की एक्सपायरी हो जाती है तो ट्वेंटी ईयर्स के बाद भी उनको रिडीम किया जाएगा पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स इनको सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का राइट right होता है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स ये सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इनको सिर्फ फिक्स रेट से डिविडेंड है वही रिसीव होगा कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स इनको एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद कंडीशंस के अकॉर्डिंग इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है और जो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं इनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स जो इक्विटी शेयर्स हैं वो कंपनी के रियल ऑनर कंसिडर किए जाते हैं जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं रिलेटेड टू डेविडेंट एंड कैपिटल तो जो पेमेंट होगी डेविडेंट की इक्विटी शेयर्स की सबसे लास्ट में होगी और प्रेफरेंस शेयर की क्रेड्स की पेमेंट के बाद या फिर इक्विटी शेयर से पहले जो रीपेमेंट है कैपिटल की वो क्रेडिटर्स के बाद होगी प्रेफरेंस शेयर की कैपिटल रिटर्न करने के बाद फिर इक्विटी शेयर्स की कैपिटल को रिटर्न किया जाएगा लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर्स की कैपिटल है वो क्रेडिटर्स की पेमेंट के बाद रिटर्न हो जाएगी जो डिविडेंड रेट है इक्विटी शेयर्स के लिए फिक्स रेट नहीं है जब कंपनी के पास सफिशियट प्रॉफिट होंगे तो इनको जो डिविडेंड है वो डिक्लेयर किया जाएगा अगर कंपनी के पास इनसफिशेंट प्रॉफिट है तो इनको कोई भी डिविडेंड रिसीव नहीं होगा जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको फिक्स रेट से जो डिविडेंड है वो दिया जाता है रिडम्पशन जो इक्विटी शेयर की कैपिटल होगी वो कंपनी के लाइफ टाइम के दौरान उनको रिफंड नहीं की जाएगी और जो प्राफ्रेंस शेयर्स होंगे उनकी जो अगर वो रिडिमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो कंपनी के लाइफ टाइम के दौरान उनको रिफंड किया जाएगा अगर वो ई रिडिमेबल प्रेफरेंस शेयर भी हुए तब भी ट्वेंटी ईयर्स की एक्सपायरी के बाद उनकी जो कैपिटल है वो उनको रिटर्न हो जाएगी रिफंड हो जाएगी वोटिंग राइट्स इक्विटी शेयर्स के पास वोटिंग राइट right होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास कोई भी वोटिंग राइट right नहीं होता लेकिन कुछ एक्सेप्शन है क्यूमलेटिव प्रेफरेंस शेयर के केस में और नॉन क्यूमलेटिव प्रेफरेंस शेयर के केस में जब टू ईयर से ज्यादा अगर हमारा डिविडेंट है वो अरियर हो जाएगा तो उस केस में जो शेयर होल्डर्स होंगे उनको वोटिंग राइट right है कंपनी की अफेयर्स में पार्टिसिपेट करने का जो राइट right है वो मिल जाएगा कन्वर्टेबिलिटी ये तो इक्विटी शेयर्स हैं इनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको अगर वो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर हुए तो उनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं तो इक्विटी शेयर्स को अगर किसी ईयर डिविडेंड नहीं मिलता तो उसको वो अरयर नहीं माना जाएगा मतलब वो भूल जाएंगे कि हमें कोई डिविडेंड मिलना भी था लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं अगर वो क्यूमलेटिव हुए तो उनके लिए जो डिविडेंड होगा वो आरियर माना जाएगा और वो उनको जब नेक्स्ट ईयर में डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा तब वो उसको रिसीव कर सकते हैं इक्विटी शेयर्स कंपनी के ऑनर माने जाते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी के क्रेडिटर्स अब हम करते हैं शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल मीन्स द कैपिटल रेज कंपनी बाय द इश्यू ऑफ शेयर्स तो शेयर कैपिटल नेम से ही सजेस्ट हो रहा है कि ये जो कैपिटल है कंपनी ने कैसे अरेंज करी कंपनी के शेयर्स को इशू करके इस कैपिटल को रेज किया गया है उसको हम कहेंगे शेयर कैपिटल तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं इंस्टीट्यूशंस हैं वो कंपनी की कैपिटल में कंट्रीब्यूट करेंगे तो नंबर्स में काफ़ी सारे होते हैं तो इसीलिए हम इनका कोई भी सेपरेट कैपिटल अकाउंट है उसको ओपन नहीं करते कि हर एक इंडिविजुअल का हम अलग से अकाउंट ओपन करें जैसे कि पार्टनरशिप फॉर्म में होता है कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है तो हर पार्टनर्स का जो कॉलम है वो ओपन किया जाएगा लेकिन कंपनी की शेयर कैपिटल के केस में कोई भी सेपरेट कैपिटल अकाउंट है उसको मेंटेन नहीं किया जाता यहाँ पर जो एक कंसोलिडेटेड इकट्ठा एक ही अकाउंट है उसको ओपन किया जाएगा और उस अकाउंट का नेम क्या है शेयर कैपिटल अकाउंट काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल तो फर्स्ट वन इज ऑथोराइज कैपिटल जो ऑथोराइज कैपिटल है उसको हम नॉमिनल कैपिटल एंड रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं सो नॉमिनल कैपिटल रजिस्टर्ड कैपिटल ऑथोराइज कैपिटल ये कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल होगी और ये कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में स्टेटेड होगी मैंशन होगी जो कंपनी है वो अपनी लाइफ टाइम में इस कैपिटल से ज़्यादा के जो शेयर है वो इश्यू नहीं कर सकती फॉर एग्जाम्पल जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था उस टाइम पे कंपनी ने अपने आप को दो करोड़ अमाउंट से रजिस्टर्ड करवाया सो so, जो कंपनी की अथोराइज कैपिटल होगी वो होगी दो करोड़ अब जो कंपनी होगी वो दो करोड़ से ज़्यादा के जो शेयर है वो अपने लाइफ टाइम में इश्यू नहीं कर सकती अब कंपनी की मर्जी है वो दो करोड़ के शेयर को एक साथ भी इशू कर सकती है या फिर उसको पार्ट्स में भी इशू कर सकती है जैसे कभी उसने टेन लैख के शेयर इशू कर दिए कभी ट्वेंटी लैख के कभी थर्टी लैख्स के ऐसे सेकेंड इज ईश्यूड कैपिटल जो ईशुड कैपिटल है वो अथोराइज कैपिटल का वो पोर्शन होगा जितनी अमाउंट के लिए कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किया है पब्लिक को इनवाइट किया है और जो ईश्यूड कैपिटल होगी वो लेस देन इक्वल टू अथोराइज कैपिटल होगी अगर कंपनी की जो अथोराइज कैपिटल है वो टू करोड़ थी तो जो इशूड कैपिटल की अमाउंट होगी वो दो करोड़ के इक्वल या फिर उससे कम रहेगी सब्सक्राइब कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल वो पोर्शन होता है जितनी अमाउंट के लिए कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किया था अब पब्लिक कितने शेयर्स के लिए सब्सक्राइब करती है तो वो हो जाएगी सब्सक्राइब कैपिटल फॉर एग्जाम्पल की कंपनी ने फिफ्टी थाउजेंड के जो शेयर्स हैं वो ऑफर किए थे पब्लिक को लेकिन जो पब्लिक है उसने सिर्फ फोर्टी थाउजेंड के लिए ही सब्सक्राइब किया है अब जरूरी नहीं कि जो ये जो सब्सक्राइब कैपिटल है वो इशूड कैपिटल से लेस देन और इक्वल ही रहे तो जो सब्सक्राइब कैपिटल होती है वो इक्वल भी हो सकती है लेसर भी हो सकती है और ग्रेटर भी हो सकती है जब इक्वल होगी तो कोई फर्क ही नहीं है कि जितने कंपनी ने ऑफर किए उतने ही जनता ने मतलब पब्लिक ने उसको सब्सक्राइब कर दिया अगर ये हुआ कि पब कंपनी ने फिफ्टी थाउजेंड के लिए ऑफर किया और पब्लिक ने फोर्टी थाउजेंड के लिए सब्सक्राइब किया तो ये हो जाएगा अंडर सब्सक्रिप्शन कि पब्लिक ने कम शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया ऐसा भी हो सकता है कि जो कंपनी है वो फिफ्टी थाउजेंड के लिए पब्लिक को ऑफर करे लेकिन जो पब्लिक है वो सिक्सटी थाउजेंड के लिए सब्सक्राइब कर दे इसको हम कहेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन लेकिन जो कंपनी है वो फिफ्टी थाउजेंड तक ही इश्यू करेगी जो सब्सक्राइब कैपिटल में हम टू टाइप्स पढ़ेंगे सब्सक्राइब एंड फुल्ली अप कैपिटल सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली अप कैपिटल अप कैपिटल तो अप कैपिटल फेस वैल्यू जो शेयर्स की होती है उसका वो पार्ट होगा जो कंपनी ने शेयर होल्डर से अप किया है फॉर एग्जाम्पल की जो कंपनी के शेयर थे वो हंड्रेड रुपीज के थे और नंबर में कितने शेयर्स हैं टेन थाउजेंड लेकिन जो कंपनी ने सिर्फ सिक्सटी रुपीज ही अप किए तो कंपनी की जो कैपिटल होगी वो सिक्स लाख हो जाएगी और जो पोर्शन कंपनी ने अभी कॉल्ड अप नहीं किया उसको हम अनकॉल्ड कैपिटल कहेंगे और वो कितना हो जाएगा फोर लाख रुपीस पेड अप कैपिटल पेड अप कैपिटल कॉल्ड अप कैपिटल का वो पोर्शन होगा जो शेयर होल्डर से एक्चुअली में कंपनी को रिसीव हुआ है अब जैसे कंपनी ने यहाँ पे सिक्सटी रुपीस मतलब कोल्डअप किए थे लाख आने चाहिए थे लेकिन जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने सिर्फ फाइव लाख रुपीस ही पे किए तो कंपनी की जो पेड अप कैपिटल है वो फाइव लाख रुपीस हो जाएगी और रिमेनिंग जो वन लाख है वो क्या हो गए कॉल इन अरियर और इसको हम क्या करेंगे अप कैपिटल में से लेस कर देंगे अब आता है रिजर्व कैपिटल सेक्शन सिक्सटी फाइव कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन के सो so, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा जिसके द्वारा जो अनकॉल्ड कैपिटल है जो कंपनी ने अभी तक कॉल्ड अप नहीं करी वो उस कैपिटल के जो पोर्शन को क्या करेगी उसको रिजर्व कर लेगी और उसको सिर्फ और सिर्फ जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा जब कंपनी का डिजोल्यूशन होगा उसी टाइम पर वो उसको कॉल्ड करेगी वाइंडिंग अप से पहले उस कैपिटल को कंपनी कॉल्ड अप नहीं करेगी और ये जो रिजर्व कैपिटल का अमाउंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के क्रेडिटर्स के लिए ही अवेलेबल रहेगा यानी कि जो कंपनी है वो क्रेडिटर्स की पेमेंट करने के लिए रिजर्व कैपिटल की अमाउंट को यूज कर सकती है कैपिटल रिजर्व कैपिटल रिजर्व आर दोज रिजर्व्स विच आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स. कैपिटल प्रॉफिट्स आर दोज प्रॉफिट्स विच आर नॉट अर्न इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस जो कैपिटल रिजर्व है वो रिजर्व्स होंगे जिनको कैपिटल प्रॉफिट में से क्रिएट किया जाएगा और कैपिटल प्रॉफिट्स वो प्रॉफिट्स होते हैं जो नॉर्मल बिजनेस की एक्टिविटी से अर्न नहीं होते ये प्रॉफिट कभी कभार अब नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं जो डेली रूटीन में अक्कर नहीं होते कभी कभार के जो एक्टिविटीज होती हैं उससे ये अक्कर हो जाते हैं इन रिजर्व्स को हम डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते और ये जो प्रॉफिट होगा कैपिटल प्रॉफिट होगा वो किन किन सिचुएशन में अराइज हो सकता है फर्स्ट वन इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कंपनी की कोई बिल्डिंग थी मशीन थी उसको सेल करने पे जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल प्रॉफिट होगा प्रॉफिट ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स आपने अपनी कंपनी की जो फिक्स्ड असेट्स हैं उनको रिवैल्यू करा जो उनकी बुक वैल्यू थी जो मार्केट वैल्यू थी कंपनी की बुक वैल्यू वो वैल्यू होती है जो बैलेंस शीट के अंदर हमने मेंशन कर रखी और मार्केट वैल्यू क्या होगी जो उस टाइम पे जो करंट में उस असेट की मार्केट वैल्यू है अगर कंपनी की जो मार्केट वैल्यू ज्यादा हुई बुक वैल्यू से तो वो क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा कम असेट्स के रिवेल्युएशन करने पर और ये प्रॉफिट भी क्या सा प्रॉफिट माना जाएगा कैपिटल प्रॉफिट अगर हमने जो कंपनी के शेयर्स हैं डिबेंचर्स हैं उनको प्रीमियम पर ईशू करा प्रीमियम पर ईशू करने का मतलब क्या हुआ कि अगर कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो टेन रुपीज़ है और हमने कंपनी के शेयर्स को फिफ्टीन रुपीज़ में ईशू कर दिया तो जो फाइव रुपीज़ में हमने एक्स्ट्रा ईशू करा है वो फाइव रुपीज़ क्या हो जाएगी प्रीमियम प्रॉफिट अर्न बाय अ कंपनी प्रायर टू इट्स इनकॉरपोरेशन कंपनी के इनकॉरपोरेशन से पहले कोई भी प्रॉफिट्स अर्न किया है वो भी किस तरह का प्रॉफिट माना जाएगा कैपिटल प्रॉफिट प्रॉफिट ऑन द फोर फीचर एंड री ऑफ शेयर्स फोर फीचर का मतलब होता है कि अगर कोई शेयर होल्डर है वो जो कॉल्ड अप कैपिटल थी कॉल्ड अप अमाउंट थी कंपनी के द्वारा उसको पे नहीं करता वो आरियर में हो जाता है कॉल्स इन आरियर होते हैं तो कंपनी के पास राइट है कि वो जो जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी इशू की उसी के अकॉर्डिंग जो शेयर्स उनको फॉरफिट कर सकती है उनको जब्त कर सकती है तो वो कौन सा अमाउंट जब्त करेगी जो शेयर होल्डर ने ऑलरेडी पे कर दिया और वे जो शेयर्स है वो भी कंपनी के हो जाएंगे जो अमाउंट ऑलरेडी ऑलरेडी पेड कर रखी है शेयर होल्डर ने वो भी कंपनी की हो जाएगी और फिर जो कंपनी है वो उन शेयर्स को फिर से रीइश्यू कर सकती है इससे जो प्रॉफिट होगा वो कैसा प्रॉफिट होगा कैपिटल प्रॉफिट होगा और जब भी हमारा कैपिटल प्रॉफिट क्रिएट होता है उसको हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा यानी कि कैपिटल प्रॉफिट में से कैपिटल रिजर्व हमें क्रिएट करना पड़ता है ये मैंडेटरी होता है लेकिन जो रिजर्व कैपिटल थी वो मैंडेटरी नहीं है वो कंपनी की मर्जी होती है कि उसको अपने जो अनकॉल्ड कैपिटल है उसको वाइंडिंग अप के टाइम पर ही मंगवाना है या फिर उससे पहले डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल डिफरेंस से आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि दोनों कॉन्सेप्ट क्या हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन सो रिज़र्व कैपिटल कॉल्ड कैपिटल होती है जो कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम पर ही मंगवाई जाएगी कॉल्ड अप की जाएगी कैपिटल रिजर्व जब भी कंपनी को कैपिटल प्रॉफिट्स होगा तब उसको उसके लिए मैंडेटरी है कि वो कैपिटल रिजर्व को क्रिएट करें रिजर्व कैपिटल को क्रिएट करना नेसेसरी नहीं है कंपनी की अपनी मर्जी होती है अगर उसका मन है तो वो अनकोल्ड कैपिटल मेंटेन कर सकती है अदरवाइज वो अपने लाइफ टाइम में ही सारी की सारी जो कैपिटल है उसको कॉल्ड अप कर लेगी तो जरूरी नहीं है इसको मेंटेन करना लेकिन अगर कंपनी को कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं तो कंपनी के लिए नेसेसरी है कि वो कैपिटल रिजर्व को क्रिएट करे जो कंपनी है उसको रिजर्व कैपिटल करने क्रिएट करने के लिए एक जो रेजोल्यूशन है प्रस्ताव है उसको पारित करना पड़ेगा कैपिटल रिजर्व को क्रिएट करने के लिए किसी भी रेजोल्यूशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जो रिजर्व कैपिटल होती है वो अमाउंट होगी जो अभी तक कंपनी को रिसीव नहीं हुई कंपनी ने उस अमाउंट को अभी तक रियलाइज नहीं किया और जो कैपिटल रिजर्व वो वाला अमाउंट होता है जो कंपनी को ऑलरेडी रिसीव हो चुका है क्योंकि जो कंपनी को कैपिटल प्रॉफिट्स हुए हैं उन्हीं में से हम क्या कर रहे हैं कैपिटल रिजर्व को क्रिएट कर रहे हैं तो कैपिटल रिजर्व वो अमाउंट हुआ जो कंपनी को ऑलरेडी रिसीव हो गया टाइम वेन इट कैन बी यूज जो रिजर्व कैपिटल है उसको सिर्फ कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम पर ही यूज़ कर सकते हैं लेकिन जो कैपिटल रिजर्व होता है उसको कंपनी के लाइफ टाइम में किसी भी टाइम पर आप यूज कर सकते हैं कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए बोनस शेयर को डिक्लेयर करने के लिए राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस सो रिजर्व कैपिटल से कंपनी के कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ नहीं किया जा सकता इस अमाउंट का यूज सिर्फ क्राइटर्स की पेमेंट करने के लिए ही किया जाएगा जो कैपिटल रिजर्व है उसका तो यूज ही हम करते हैं कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए अब हम करते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज अकाउंट सो अब तक हम शेयर कैपिटल के बारे में ही पढ़ रहे थे अब हमें देखना है कि कैसे कंपनी की जो बैलेंस शीट होगी उसमें हम शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करेंगे सो कंपनीज एक्ट में दो स्केड्यूल हैं स्केड्यूल थर्ड एंड स्केड्यूल फोर्थ स्केड्यूल थर्ड में जो कंपनी की बैलेंस शीट है उसका फॉर्मेट गिवन है और स्केड्यूल फोर्थ में कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसका जो फॉर्मेट है वो गिवन है सो so, कंपनी कि जो बैलेंस शीट है उसका जो फॉर्मेट होगा वो वर्टिकल होगा इट मीन्स सबसे पहले हमने जो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ वाला जो हेड है उसको कंप्लीट करना होगा उसके बाद जो असेट है वो वाला हेड हमारा कंप्लीट होगा जो पार्टनरशिप फॉर्म की जो बैलेंस शीट थी वो हॉरिजोनटल थी यानी कि यहाँ पे जो असेट और लाइबिलिटी है वो साइड बाय साइड चलती थी एक साथ लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटी फिर अमाउंट असेट उंट बट जो कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा है वर्टिकल कि सबसे पहले हमने जो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज वाला फॉर्मेट है वो आएगा. So, of, पे हम जो का नेम लिखेंगे एज एट यहाँ पे जो डेट है वो मैं एंड ऑफ थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड जो भी होगा इसका जो फॉर्मेट है फर्स्ट कॉलम होगा पर्टिकुलर्स का सेकंड कॉलम दैट इज़ नॉट नंबर क्योंकि जो हम नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे उसमें हमें नोट नंबर लिखना होगा और वो नोट नंबर है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाएगा जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो इस हेड के अंदर जितना अमाउंट है उसकी कैलकुलेशन कैसे हुई जो थर्ड कॉलम है अमाउंट रिसीव्ड इन द करंट ईयर जो करंट ईयर का अमाउंट होगा वो थर्ड कॉलम में आ जाएगा उसके बाद जो अमाउंट है प्रीवियस ईयर की तो जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है एक ही बैलेंस शीट में हम जो प्रीवियस ईयर करंट ईयर की अमाउंट है उनको भी कंपेयर कर सकते हैं सबसे पहले हम लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज और उसके अंदर जो फर्स्ट हेड है शेयर होल्डर्स फंड शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आएंगे थ्री हेड्स दैट इज शेयर कैपिटल रिजर्व एंड प्लस मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉर स्केडूल थर्ड के अकॉर्डिंग जो भी ये हेड गिवन है उनको हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट्स में नोट्स टू अकाउंट्स का फॉर्मेट यहाँ पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट सो फर्स्ट नोट है वो है शेयर कैपिटल सो so, हम यहाँ पे दिखाते हैं कि कंपनी की अथोराइज कैपिटल कितनी थी यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे इक्विटी शेयर्स हैं तो इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे और यहाँ पे कितने रुपए का वो शेयर है टेन रुपीज़ का है हंड्रेड रुपीज़ का है वो आ जाएगा फिर यहाँ पे जो नंबर आएंगे प्रेफरेंस शेयर्स के और यहाँ पे वो कितने रुपीज़ के हैं वो आ जाएंगे फिर जो टोटल अमाउंट होगा उसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे फिर जो सेकंड आएगा इश्यूड कैपिटल सेम यहाँ पे भी जो नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स हैं उनको लिखेंगे कितने रुपीस के हैं वो बता देंगे ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर्स जो प्रेफरेंस शेयर्स होंगे उनके आगे जो डिविडेंड का रेट है वो भी मेंशन होगा जैसे कि सेवन परसेंट प्रेफरेंस शेयर्स हैं टेन परसेंट शेयर्स हैं हमें वैसे लिखने पड़ेंगे क्योंकि तो जो प्रेफरेंस शेयर्स की जो डिविडेंड की रेट होती है वो फिक्स्ड होती है अब हमने अथोराइज कैपिटल को लिख लिया इश्यूड कैपिटल को फिर हम लिखेंगे सब्सक्राइब कैपिटल सो so, सब्सक्राइब कैपिटल टू टाइप्स की होती है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप का मतलब ये हुआ कि जितने शेयर्स के लिए पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है फुल अमाउंट भी पब्लिक ने पे कर दिया सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली अप का मतलब ये हुआ कि जितने शेयर्स के लिए पब्लिक ने सब्सक्राइब किया था उसको जो फुल अमाउंट है वो अभी तक पब्लिक ने पे नहीं किया है और जो फुल्ली फुली अप दो तरह से हो सकता है एक तो पब्लिक है जो जनता है वही पे ना करे दूसरा जो कंपनी है वो उसको अप ना करे सेम यहाँ पे भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स लिखेंगे कितने रुपीस का है वो लिखा जाएगा ऐसे ही नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स लिखेंगे एट द रेट ऑफ जो भी टेन ईंच हंड्रेड इच फिफ्टी इंच जो भी होगा ऑफ द अबव शेयर्स अलॉटेड एज फुल्ली पेड अप परसन टू अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट पेमेंट बिंग रिसीव्ड इन कैश यानी कि जो भी अगर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप है मतलब जितने जनता ने पब्लिक ने सब्सक्राइब किए थे वो अमाउंट हमें फुल्ली रिसीव हो चुका है अब आएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल यहाँ पे भी हम नंबर ऑफ शेयर्स लिखेंगे कितने रुपए का एक था और जो अमाउंट कंपनी ने कॉल्ड अप करी है वो अगर कंपनी ने फुल्ली कॉल्ड अप है तो सेम आ जाएगा टेन रुपीज़ ईच है तो वो यहाँ पे हम लिख देंगे अगर कंपनी जैसे टेन रुपीज़ का ईच है बट कंपनी ने सिर्फ सेवन रुपीज़ ही अप किए हैं तो यहाँ पे सेवन रुपीज़ के अकॉर्डिंग आ जाएंगे फिर जब उसमें से लेस कर देंगे कॉल इन कॉल्स इन अरियर्स जो अमाउंट शेयर होल्डर्स ने पे नहीं करा कंपनी ने उसको कॉल्ड अप किया था बट शेयर होल्डर फेल हो गया उसको पे करने में उस अमाउंट को कहा जाएगा कॉल्स इन अरियर्स जो कॉल्स इन अरियर है वो डायरेक्टर्स के द्वारा भी हो सकती है ऑफिसर्स क्योंकि okay? जो डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के ऑफिसर्स होते हैं एम्प्लॉयज होते हैं वो भी शेयर्स को परचेज करते हैं बाय अदर्स जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हो गए अदर शेयर होल्डर्स वो भी उसमें हम ऐड कर देंगे फोर फिटेड शेयर्स को और फिर जो यहाँ पे जो टोटल अमाउंट होगा वो हमारा आ जाएगा यहाँ पे जो सब्सक्राइब फुल्ली अप वो भी ऐड होगा और साथ में सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली अप उसमें से कॉल इन एरियर्स को लेस करने के बाद और फोर फिटेड शेयर का अमाउंट ऐड करने के बाद जो आएगा उन दोनों को ऐड करके फिर हम यहाँ पे शेयर कैपिटल में लिख देंगे और जो कंपनी की बैलेंस शीट होगी उसमें वो अमाउंट आएगा जो रिजर्व एंड सरप्लस है उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट आता है कैपिटल रिजर्व में जो ट्रांसफर की गई अमाउंट है वो हम यहाँ पर शो करेंगे अब हम करते हैं इलस्ट्रेशन वन न्यूबी लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन अथोराइज कैपिटल ऑफ रूपीज फाइव लैक डिवाइडेड इनटू फिफ्टी थाउजेंड इक्विटी शेयर ऑफ टेन एच तो न्यूबी लिमिटेड कंपनी का नेम है उसने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया था उसकी अथोराइज्ड कैपिटल थी फाइव लाख रुपीस है यहाँ पे और उसको हमने डिवाइड करा था फिफ्टी थाउजेंड इक्विटी शेयर में और एक शेयर की जो वैल्यू है वो टेन रुपीज है सिंस द इकोनमी वॉज इन रॉबर्ट शेप कंपनी डिसाइडेड टू ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन थर्टी थाउजेंड इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज टेन ईच एट प्रीमियम ऑफ ट्वेंटी पर शेयर जो कंपनी है उसने डिसाइड करा कि वो पब्लिक को ऑफर करेगी सब्सक्राइब करने के लिए थर्टी थाउजेंड इक्विटी शेयर तो जो थर्टी थाउजेंड इक्विटी शेयर्स है ये कंपनी की क्या हो गई ईशूड कैपिटल और जो कंपनी है उसने अपने शेयर्स को प्रीमियम पर इशू करा है कंपनी की जो फेस वैल्यू है नॉमिनल वैल्यू है वो टेन रुपीज़ है और जो प्रीमियम है वो ट्वेंटी रुपीज़ है एप्लीकेशन फॉर ट्वेंटी एट थाउजेंड शेयर्स वर रिसीव एंड अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स तो थर्टी थाउजेंड के लिए कंपनी ने इशू किया था बट जो एप्लीकेंट्स हैं उन्होंने ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी एट थाउजेंड के लिए सब्सक्राइब किया अंडर सब्सक्रिप्शन है तो हम सभी को जो अलॉटमेंट है वो कर देंगे ऑल कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसिव एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ टू रुपीज़ पर शेयर ऑन टू हंड्रेड शेयर तो हमें जो सारा जो कॉल्स है कंपनी ने इनकी टेन रुपीज़ है वो कॉल्डअप किए हैं और सभी अमाउंट रिसीव होगी एक्सेप्ट किसको छोड़ के जो फाइनल कॉल थी टू रुपीज़ की थी और कितने शेयर पर नहीं मिली टू हंड्रेड शेयर पे ट्वेंटी एट थाउजेंड में से टू हंड्रेड शेयर्स पर फाइनल कॉल है वो रिसीव नहीं हुई तो ये क्या हो जाएगा कॉल्स इन अर इयर हमने शो करना है शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में न्यू लिमिटेड की एस पर द थर्ड ऑफ कंपनीज थाउजेंड थर्टीन ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट फॉर द सेम तो जब भी हम कंपनी की बैलेंस शीट बनाएंगे उसके साथ जो नोट्स टू तो अकाउंट है वो तो बनेगा ही सबसे ऊपर कंपनी का नेम लिखा जाएगा न्यूबी लिमिटेड फिर जो बैलेंस शीट एज एट द एंड ऑफ थर्टी फर्स्ट मार्च जो भी डेट होगी वो लिखी जाएगी फॉर्मेट रेडी करेंगे पर्टिक्यूलर नॉट नंबर करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर जो फर्स्ट हेड है वो होगा हमारा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का उसके अंडर आएगा शेयर होल्डर्स फंड शेयर कैपिटल इसको लिख के हम यहीं पर छोड़ देंगे जो ये अमाउंट है उसको अभी नहीं लिखेंगे उससे पहले हम बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट सो पहला जो नोट है वो है शेयर कैपिटल का अथोराइज कैपिटल थर्टी थाउजेंड इक्विटी शेयर हैं टेन रुपीज का एच है तो थर्टी थाउजेंड मल्टीप्लाई टेन हो गया थ्री लैख सब्सक्राइब कैपिटल क्योंकि जो फाइनल कॉल थी टू हंड्रेड शेयर पर टू रुपीज के अकॉर्डिंग वो हमें रिसीव नहीं हुई थी इसलिए जो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली अप कैपिटल है वो हैडिंग भी हमारा यहाँ पर आएगा पहले सब्सक्राइबड एंड फुल्ली अप कैपिटल अब जो पब्लिक ने ट्वेंटी एट थाउजेंड के लिए सब्सक्राइब किया था बट जो टू हंड्रेड शेयर्स हैं उन पर जो हमारी जो फाइनल कॉल थी वो रिसीव नहीं हुई तो रिमेनिंग कितना अमाउंट बचाओ ट्वेंटी सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड ये वो शेयर्स हैं जिन पर हमें फुली जो पेडअप कैपिटल है वो रिसीव हो गई ट्वेंटी सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड इक्विटी शेयर टेन रुपीज़ का एज फुल्ली पेड अप तो टू लैख सेवेंटी एट थाउजेंड यहाँ पर आ जाएंगे फिर आएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड कैपिटल जो टू हंड्रेड इक्विटी शेयर्स हैं टेन रुपीज़ का एज यानी कि जिन पर फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुई थी तो हमें जो टोटल अमाउंट रिसीव होना था टू हंड्रेड शेयरस हैं टेन रुपीज़ का एक है टू थाउजेंड उसमें से हम लेस कर देंगे कॉल्स इन अर टू हंड्रेड को टू रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर हंड्रेड जो फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुई तो सिक्सटीन हंड्रेड है वो हमें मिल चुके हैं तो टोटल तो अमाउंट है जो शेयर कैपिटल में आएगा वो टू लैख सेवेंटी एट थाउजेंड प्लस में सिक्सटीन हंड्रेड सो टोटल हो गया टू लैख सेवेंटी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इसको हम शेयर कैपिटल में लिख देंगे आई होप कि आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो वो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बाय बाय